कोरोना टेस्टिंग के लिए महानगर के 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंप लगाया गया है। इसके अलावा 5 मोबाइल वैन से भी महानगर में कोरोना टेस्टिंग कराई जा रही है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टेस्टिंग है। टेस्टिंग से ही व्यक्ति की पहचान हो सकती है कि वो संक्रमित है या नहीं। जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एक बार अवश्य जाँच कराएं, खासकर 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति कतई लापरवाही न बरतें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया, कभी कुछ लोग हैं जो लापरवाही बस जांच नहीं करा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। जांच की संख्या भी देखी जाए तो ग्राफ गिर रहा है, तो कितना कारगर हो रहा है जांच का? देखिए, जांच हम लोग तो पर डे 5,000 से 6,000 जांचें कर रहे हैं। उसके अलावा दो जगह, एक जगह तो फिर चरगवा में 24/7 का 24 घंटे का जांच का व्यवस्था तो कर रखा है। साथ साथ हम लोग जिला अस्पताल के सामने फोरेंसिक लैब है, उसी पे एक प्रोविजन करा रहे हैं 24 घंटे कराने के लिए। ये दो जगह आप 24 घंटे रात को 1 बजे 2 बजे भी आके कर सकते हैं। बट देखिए, जांच के लिए पहले से काफ़ी जगह हम लोग व्यवस्था कर रखा है। शहर के अंदर 22 जगह तो PSC CSC में है, उसके अलावा प्राइवेट लैब भी है, उसके अलावा जिला अस्पताल में भी है, उसके अलावा जो आप ये बाहर भी जो मोबाइल 5 मोबाइल यूनिट है उसी के जरिए से भी जांच हो रहा है। इसी टाइप का जो हम लोग जांच का जो पहले से धाराएं बहुत बढ़ा दिए, बट इसको देखिए अभी भी बहुत लोग इच्छुक नहीं है अपने आकर के जांच कराने में। हम लोग का कहीं कहीं जा करके मनाना पड़ता है, कहीं बहुत फोर्सफुली कहना पड़ता है, खींचना पड़ता है। इसको तो हम लोग समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको जान बचाने के लिए हमारा पूरा मशीनरी लगी हुई है, आकर के 1 मिनट में जांच कराने में आपको पता चल जाता है आपका कोरोना है क्या नहीं। उससे आप भी बच जाएंगे, आपका परिवार बच जाएंगे, आपका पूरा समुदाय जो कहाँ रहते हैं वो पूरा लोग बच जाएंगे। ये आपको जिम्मेदारी है, ये हमें कहना नहीं पड़ना चाहिए था। आप लोग वॉलंटरीली आकर के जांच करिए, और जांच एक बार नहीं है, महीने में एक बार कर दीजिए, आपके काम के ऊपर है। मान लीजिए आप बार बार ऐसे इलाका में जाते हैं, भीड़ इलाका में ऐसे इलाका में जाते हैं, कहीं आपका मान लीजिए संभावना ज़्यादा, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या तो ऐसे जगह मरीज आने के लिए संभावना ज़्यादा है, आप लोग का रिस्क के हिसाब से ज़्यादा जांच करानी होगी। और यदि मान लीजिए तो आपका काम तो अकेले में है और खेतीबाड़ी काम है, वैसे कोई ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, तो फिर बार बार जांच करने की ज़रूरत नहीं, पर ज़रूर एक बार जांच कर लीजिए। खासतौर पे 50 साल के ऊपर वाले ज़रूर एक बार जांच कर लें, यही जांच आपको जान बचा सकते हैं। ताकि बचाव के अलावा अब तक हमारे पास कोई इलाज नहीं इसके लिए।